नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने मिशन सरहद संवाद के तहत गुरुवार को खाजूवाला के सीमांत क्षेत्र 14 बीडी और 20 बीडी में ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले इन लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं निकालने पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीणों के बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्टाफ, अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, इनके प्रत्येक वाजिब कार्य को पूर्ण संवेदनशीलता से करें। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से बच्चों को पढ़ाने, नशे से दूर रहने और अपराध मुक्त गाँव बनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सरहद संवाद का यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। ऐसे माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्र का वास्तविक फीडबैक और विकास की आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवाद के तहत प्राप्त प्रकरणों को संपर्क पोर्टल पर अपलोड करते हुए इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इस दौरान स्कूली बालिकाओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और स्कूल में सह शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित करने का आग्रह किया। इस संबंध में कार्यवाही के लिए शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। चाहते हैं और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हम आते हैं और हमारा उद्देश्य है कि गांव वालों के साथ पूरा प्रशासन जाए, उनकी समस्याओं को समझे और उनका निराकरण करे, क्योंकि ये सीमांत पंचायतें हैं, हेडक्वार्टर से बहुत दूर है। इसलिए ये हमारा प्रयास है कि प्रशासन खुद उन तक आए और उनकी समस्या। मैडम, जितनी जन समस्याएं हैं इनका कब तक निस्तारण हो जाए? इसमें कुछ ऐसी हैं जहाँ सिविल वर्क्स है तो उनकी हम जल्दी ही एक हफ्ते में नरेगा में सैंक्शन निकलवा देंगे। जो और स्कीमों से होनी है वो भी कर देंगे। कुछ जो कार्य व्यवस्था अपॉइंटमेंट्स है वो भी शीघ्र कर देंगे। इन सबका हम अलग रजिस्टर रखते हैं और उनका टाइम बाउंड डिस्पोजल। मैडम, जिस प्रकार से बोर्ड क्षेत्र में नशे के प्रति युवाओं को जागरूक हो, लोगों बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा युवा बच सके, इसके लिए क्या? इस संवाद का एक उद्देश्य ये भी है कि हम गाँव के लोगों से नशे के संबंध में बातचीत करें और उन्हें प्रेरित करें कि एक तो इससे दूर रहें और उनके आस पास भी कोई ऐसा करता है तो प्रशासन को या उपयुक्त अथॉरिटीज को। जिला कलेक्टर ने 14 बीडी में सार्वजनिक वाचनालय तथा उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में बना सार्वजनिक वाचनालय युवाओं के लिए लाभदायक साबित होगा। उन्होंने बताया कि जिले भर में विभिन्न स्थानों पर ऐसे वाचनालय बनाए जा रहे हैं जिन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों और जाँचों की उपलब्धता के बारे में जाना, साथ ही ओपीडी की स्थिति की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने 20 बीडी में राजकीय विद्यालय का निरीक्षण किया तथा यहां शैक्षणिक व्यवस्थाओं के बारे में जाना। उन्होंने बताया कि जिले के चार दीवारी विहीन स्कूलों में मनरेगा के तहत बाउंड्री बनाई जा रही है, वहीं सुरक्षित स्कूल अभियान प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न मानकों के आधार पर स्कूलों का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान SDM रमेश कुमार, BDO कृष्ण कुमार, तहसीलदार कमलेश सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग के संयुक्त निदेशक LD पंवार, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक सुभाष बिश्नोई सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर खाजूवाला से अशोक कड़वा की खास रिपोर्ट। उसमें